मैं महिमा गर्ग आज आपको पत्र लेखन की विधि बता रही हूँ। पत्र लेखन में हम कार्यालय पत्र के बारे में बात करेंगे आज। पत्र मानवीय संबंधों में सेतु का काम करता है। यह अपने मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन है। एक श्रेष्ठ पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक श्रेष्ठ पत्र लेखन का जो तरीका है उसमें सबसे पहली बात आती है निष्कपट। निष्कपट का मीनिंग क्या है कि पत्र निष्कपट भाव से बातचीत शैली में लिखा जाना चाहिए। पत्र को पढ़कर ऐसा लगे मानो हम लेखक के साथ बातचीत कर रहे हों। श्रेष्ठ पत्र का दूसरा गुण है कि वह आडंबर रहित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर नहीं होना चाहिए। तीसरा गुण है शिष्टाचार। पत्र में शिष्टाचार की वाणी का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। यदि हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सम्मान का भाव होना चाहिए और छोटों के लिए स्नेह का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट गुण आता है भाषा स्वाभाविक और सरल होनी चाहिए, साथ ही भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र स्थाई संपत्ति होते हैं, इसलिए किसी भावावेश में लिखते समय अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित शब्दों में लिखना चाहिए। नेक्स्ट जो गुण है, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। एक और गुण है कि उसमें पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। एक पत्र के 5 तत्व होते हैं, ये सब उसमें जरूरी हैं। पता लिखना, तिथि लिखना, जिसे लिखा है उसे संबोधित करना, उसके सम्मान में अभिवादन करना और उसकी समाप्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सब सुस्पष्ट ढंग से लिखे हुए होने चाहिए। एक श्रेष्ठ पत्र की सफलता किसमें है कि वह प्रभावशाली हो। प्रभावशाली होना आवश्यक है। जो हम करना चाहते हैं, जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, वह उस पत्र से स्पष्ट हो जाए। पत्र लेखन में हस्तलेख का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हमें सुंदर शब्दों में पत्र लिखना चाहिए, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता को उसे पढ़ने और संभाल कर रखने का शौक जागे। पत्र 2 तरह के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक में कौन से आते हैं? जो किसी व्यक्ति को, परिवार को या समाज में किसी सामाजिक प्राणी को लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक है। औपचारिक पत्रों में आता है किसी कार्यालय को, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को लिखे गए पत्र। इस प्रकार हम इन पत्रों को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन या किसी प्रियजन मित्र को लिखे जाते हैं, सब व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। दूसरा है सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र कौन से हैं? सामाजिक स्तर पर विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश आदि के मांगलिक अवसरों पर जो पत्र लिखे जाते हैं अथवा छपवाए जाते हैं, ये सामाजिक पत्र कहे जाते हैं। तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यवसायी, व्यापारी, दुकानदार, ग्राहक या फर्म को जो पत्र लिखे जाते हैं, वो सब व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र कौन से हैं? जो पत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अन्य कार्यालयों, विभाग, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र का कलेवर कैसा होता है? अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले
प्रेषक का पता और तिथि लिखी जाती है। प्रेषक का पता यानी लिखने वाले का पता, जो हम पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखते हैं। पते के ऊपर लेखक का नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर हम अपनी तारीख लिखते हैं, डेट लिखते हैं। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति से जो संबंधित संबोधन है वो लिखेंगे, जैसे प्रिय, बंधु, बंधुवर, मित्रवर। कोई सखा है तो उसको मित्र लिखेंगे, अपने से कोई बड़ा है तो माननीय, पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, ये सब संबोधन वाचक शब्द होते हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं पत्र में। ये पत्र का मैंने एक प्रारूप बनाया है। यहाँ पर आप अपना प्रेषक का पता, खुद का पता, यहाँ पर जिसे लिखा है उसका संबोधन। उसके बाद हम अभिवादन लिखते हैं। धीरे धीरे अभिवादन लिखने की परंपरा समाप्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम संबोधन के बाद अभिवादन लिखते हैं। जैसे बड़ों के लिए सादर प्रणाम, छोटों के लिए सुखी रहो, चिरंजीव रहो, ये सब। उसके बाद आता है पत्र का मुख्य विषय। अपनी मुख्य बात जो है वो हम पत्र के मुख्य विषय में लिखते हैं। पत्र का वास्तविक तथ्य ही मुख्य विषय होता है। अब हम अपने विषय को रोचक और सरस शैली में स्पष्ट ढंग से लिखें, इसके लिए ये आवश्यक है। किसी प्रकार का उलझाव, व्यर्थ की बातें, आडंबर, विषय को अरोचक बनाना या विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सब इसमें वर्जित माना जाता है। मुख्य विषय के प्रतिपादन में वे सभी गुण होने चाहिए जो मैंने पहले आपको एक श्रेष्ठ पत्र लेखन के गुण बताए थे इसी वीडियो में। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार में वर्ण्य विषय पूरा हो जाने के बाद, यानी जो हमने यहाँ जो लिखा है ये हमारी जो बात पूरी हो गई है, लेखक का नाम यहाँ पर और पत्र प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध लिखना चाहिए। जैसे लिखते हैं आपकी लाडली, फिर अपना नाम लिखेंगे। अगर मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा ही ऋषि, आपका अपना बेटा अशोक, तो इस तरह से उपसंहार जो है वो इधर की तरफ लिखा जाता है। तो पत्र को हम किस तरह से देखिए, एक, दो, तीन, तीनों चीजें एक लाइन में लिखी जाएंगी और मुख्य विषय जो है वो इस तरह से। ये पत्र का प्रारूप हो गया हमारा, क्लेवर यानी पत्र का प्रारूप इस तरह का होता है जो आपको परीक्षा में पूरे 5 मार्क्स दिलाएगा यदि आप इस तरीके से अपना पत्र लिखते हो। जिस बारे में पत्र लिखा गया है वहां पर ये आप अपना मुख्य बात जो है यहाँ लिखेंगे। इसका मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम सामाजिक पत्र लेखन की शैली की बात करेंगे। इस वीडियो में सामाजिक पत्र लेखन की शैली क्या है, आइए देखते हैं। एक पत्र लेखन की शैली जो है इसमें व्यक्तिगत पत्रों से यह अलग होती है। जिस प्रकार के पत्रों के लिए एक साथ छपता है इसलिए इसकी शब्दावली पृथक होती है। यदि किसी संस्था की ओर से कोई निमंत्रण पत्र या कार्ड वगैरह छापे जा रहे हैं तो पत्र के ऊपर संस्था का नाम तथा चिन्ह होता है। तत्पश्चात बाईं ओर मान्यवर, बंधुओं आदि शब्दों के साथ पत्र का मुख्य विषय क्रमबद्ध ढंग से आता है। इसमें मुख्य कार्यक्रम और विशेष आकर्षण के बिंदु जो हैं मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई घरेलू उत्सव का पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मान्यवर लिखेंगे। फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे सुपुत्र वरुण एवं अर्पणा के पावन विवाह पर आप 3 अक्टूबर 2019 गुरुवार दोपहर 12:30 बजे मेरे निवास सुभाष नगर दिल्ली पर सादर सप्रेम आमंत्रित हैं। ये चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। उसके बाद इधर विनीत श्रीमती एवं श्री मोहनलाल, ये हमारा सामाजिक पत्र लेखन का तरीका है। उसके बाद आता है औपचारिक पत्र लेखन का क्लेवर या पैटर्न। औपचारिक पत्र लेखन में व्यवसायिक या सरकारी पत्र लेखन की शैली के बारे में आज आपको मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा रह गया बस ये।
पत्र लेखन की शैली निश्चित होती है। इसमें प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, भेजने वाले का नाम होता है उसका पता और डेट, प्रेषित यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम, जैसे हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, विषय जिस विषय पर आपने पत्र लिखा है, संबोधन में महोदय, उसके बाद आपकी मुख्य विषय सामग्री आ जाएगी और तत्पश्चात फिर आप अंत में उपसंहार में धन्यवाद, भवदीय और आपका नाम जो भी है वो लिखेंगे। इस तरह से कार्यालयी पत्र लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्र जो हैं विभिन्न कार्यालयों द्वारा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे जाते हैं।